प्राइम टाइम के अनुभवी एंकर से तो आप मिल गए, अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी उस टीम से जो सारा दिन आप तक खबरें लाएंगी। मैं अमित सिंह, महादेव की नगरी काशी का रहने वाला हूँ। पिता रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और माँ हिंदी साहित्य की प्रेमी। पापा से अनुशासन मिला और माँ से हिंदी भाषा का ज्ञान। 13 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। कई बार ऐसा मौका आया जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग की, बतौर आरजे भी काम करने का मौका मिला। अब एक बार फिर से देश के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड में काम करने का मौका मिला है। टाइम्स नाउ के साथ एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे सच्ची और अच्छी पत्रकारिता का वादा करता हूँ। मैं कंचन जेसवानी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से ही की, फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। शुरुआत से ही साहित्य में मेरी रुचि थी और इसीलिए ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया। साहित्य ने मुझे सिखाया कि पत्रकारिता कितनी जरूरी है। आगे की पढ़ाई जर्नलिज्म में की। चुनाव को बेहद करीब से देखा है, राजनीति पर खासा जोर भी रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, सब देखा, सब आप तक पहुंचाया। कई सरकारें बनी है हमारे सामने, कई सरकारें भी गिरी है और अब मेरे सफर की शुरुआत टाइम्स नाउ नव भारत के साथ हो रही है, जहां सच की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। मैं अनंत त्यागी, उत्तराखंड की रुड़की शहर का रहने वाला। शुरुआती शिक्षा देहरादून से हुई और आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आ गया। पत्रकारिता का लगभग एक दशक का यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा। साल 2020-21 में LAC के पास पहुंचकर भारत चीन सीमा विवाद पर हफ्तों तक रिपोर्टिंग की। देश के 2 आम चुनाव समेत कई विधानसभा चुनावों को जिया मैंने। जमीन पर पहुंचकर लोगों से मुद्दे जाने, उनकी परेशानियों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। हर बड़े मुद्दे पर जमीन पर पहुंचकर आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाया। पत्रकारिता के इस एक दशक के सफर का अब सुनहरा पड़ाव है टाइम्स नाउ नव भारत। मैं तैयार हूं भारत को नव भारत बनाने के लिए। मैं ज्योत्सना बेदी, दिल्ली में जन्म हुआ। दिल्ली के कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की। सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन हुई और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर 2013 में पत्रकारिता का आगाज हुआ। बहुत से मौके मिले कि मैं ग्राउंड जीरो पर जाऊं और आप तक एक एक तस्वीर सच्चाई के साथ पहुंचा। आम चुनावों की बात हो, विधानसभा चुनावों की बात हो, राम मंदिर फैसले की खबर क्यों ना हो, या फिर सेना के पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी खबर क्यों ना हो, सब मैंने आप तक पहुंचाई। आगे भी मकसद यही है कि बिना शोर मचाए, बिना पक्ष लिए, एक एक तस्वीर आपके सामने पूरी सच्चाई से रखूं। और अब नए सफर की शुरुआत टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। मैं हिमांशु दीक्षित, मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्म हुआ। स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई ग्वालियर से हुई। कॉलेज में थिएटर के साथ क्रिकेट भी जमकर खेला। एक दिन कॉलेज में FM स्टेशन की टीम पहुंची और वहां से मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। ग्वालियर के ही FM स्टेशन पर RJ का काम किया। फिर साल 2010 में खबर लिखने के साथ एंकरिंग की शुरुआत हुई। फिर ये सफर ग्वालियर से होते हुए भोपाल और दिल्ली तक पहुंचा। दिल्ली में रीजनल चैनल में काम करते करते नेशनल में जगह बनाई और आज देश के सबसे बड़े ब्रांड टाइम्स में आपके सामने हूं। सच का साथ देते हुए चुनौती के लिए हमेशा तैयार। मैं दीपिका यादव, गुजरात के वापी शहर में मेरा जन्म हुआ। मैंने स्कूलिंग और कॉलेज वहीं से किया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट आया जब आप और हम सोचते हैं कि अब आगे क्या करना, क्या बनना, क्या प्रोफेशन हमें चूज करना। मैंने अपने दिल की सुनी, जर्नलिज्म चूज किया। माँ बाप ने भी पूरा साथ दिया और इसकी पढ़ाई करने के लिए, मास्टर्स के लिए मैं पुणे चली। वहाँ पर मैंने अपना जर्नलिज्म में मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद में सीधे नोएडा। यहाँ पर मेरे सफर की शुरुआत हुई, मेरा करियर शुरू हुआ। मेरी शुरुआत बहुत बड़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे ये सफर चलता रहा, मैं आगे बढ़ती रही और आज मैं एक ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ रही हूँ जिस पर लाखों करोड़ों जनता का विश्वास है, टाइम्स। जी हाँ, जर्नलिज्म में आए मुझे ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन ये 3 से 4 साल का मेरा जो भी अनुभव रहा, इसमें मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने खबरों को जिया, उन्हें महसूस किया है और यकीन मानिए, आपका विश्वास मुझे ताकत देगा, मेरी हिम्मत बढ़ाएगा, मुझे प्रेरणा देगा कि मैं और अच्छा और बेहतर कर सकूं। सीधी और सच्ची खबर, ना कोई शोर, ना कोई तमाशा, आप लोगों के बीच लेकर आ रही हूं। मैं राजीव ढांडिया, उत्तराखंड के रहने वाला हूं।
दसवीं तक की पढ़ाई उत्तराखंड में ही की है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आया, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ। साल 2016 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। पंचायत चुनाव से लेकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव की खबरें आज तक पहुँचाई है। 2019 लोकसभा चुनावों को बहुत करीब से कवर करने का मौका मिला। पत्रकारिता के साथ साथ शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि है। देश की हर छोटी बड़ी समस्या को पत्रकार की नजरों से देखता हूं और उनका हल ढूंढना अपना धर्म समझता हूं। और अब टाइम्स नाउ नव भारत के साथ जुड़कर इन्हीं कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प ले। मैं हूं नैना यादव, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हूं। जन्म सागर में हुआ, शिक्षा इंदौर और भोपाल से पाई। 2015 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। चाहे फील्ड हो या स्टूडियो, हर विषय को बेबाकी से पारदर्शिता के साथ रखना पसंद करती हूँ। आम जनता के विषयों को खुद जीकर लोगों के सामने लाना पसंद करती हूँ। 2007 से पत्रकारिता के करियर की शुरुआत हुई, जो अब आप पहुंची है सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क टाइम्स नेटवर्क तक। टाइम्स नाउ नव भारत आपका नया